Oh, so we are online, and my next guest is actually a social worker. He is from District Baner, और उन्होंने अपना बैचलर्स किया है इन सोशल वर्क, और इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट किया था उन्होंने. एक्चुअली उनका भी इंट्रो आया है. उन्होंने जो पोस्ट ग्रेजुएट किया था, इट वॉज इन पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज, और उसके बाद अब वो एमफिल कर रहे हैं इन सोशल वर्क अगेन. उसके साथ साथ ही इज वर्किंग एज सोशल इंक्लूजन ऑफिसर एट फ्रेंड्स ऑफ पैराप्लेजिक्स. इसके दो चीजें विच आई बी आस्किंग हिम कि व्हाट इज एक्चुअली सोशल इंक्लूजन ऑफिसर एंड व्हाट डज एक्चुअली फ्रेंड ऑफ पैराप्लेजिक्स डू. सो आई बी इनवाइटिंग हिम राइट नाउ. हियर ही इज रफीक साहब फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बुनेज. अस्सलाम वालेकुम रफीक. वालेकुम सलाम वकास, क्या हाल है जी? खैरियत? अल्लाह का शुक्र. ठीक, तू कैसे हो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है जी. रफीक? पहले तो बिल्कुल बहुत फिट बहुत पार्ट. शुक्रिया कि तुम माने इस शो पे आने के लिए. लाइक मुझे लगा बिल्कुल. था कि बुनेर वाली साइड से नहीं आएगा कोई भी. क्यों नहीं यार, आप बुलाओगे और हम नहीं आएंगे? हो नहीं सकता. थैंक यू रफीक. अच्छा रफीक, अभी जो बुनेर के अंदर मुझे लगा था कि देयर इज नो इंटरनेट कनेक्शन राइट नाउ, क्योंकि मैंने सुना था वहां पे सारे इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब हुए हैं. इज दैट नहीं एक्चुअली नहीं ट्रू? बिल्कुल नहीं, थिंग्स गोइंग नॉर्मल. ओके दैट्स ग्रेट. अच्छा रफीक, मैंने पहली बात तुमसे ये पूछनी थी कि यू आर वर्किंग एज अ सोशल इंक्लूजन ऑफिसर एट यस फ्रेंड्स ऑफ पैराप्लेजिक्स, राइट? यस जी. तो मुझे एक बात तो ये पूछनी थी कि व्हाट इज सोशल इंक्लूजन ऑफिसर? बात यह है कि सोशल इंक्लूजन ऑफिसर मुख्तलिफ चीज़ों पे मुख्तलिफ होते हैं. जैसे आप ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं, अगर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को मैं बताता चलूँ आपको कि यहाँ पे मैं जो काम कर रहा हूँ, सोशल इंक्लूजन अ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन द कम्युनिटी, इसी को मैं लेके चलता हूँ. उनके लिए मैं एक्टिविटीज डिज़ाइन करता हूँ कि किस तरीके से हम पर्सन विद डिसेबिलिटी को अपने कम्युनिटी में एंगेज कर सके, और जो नॉर्मल या जनरल पीपल है वो भी उनके साथ ऐसे माहौल में रह सके जो उसके लिए भी फ्रेंडली हो. अच्छा सही. सो दैट दे कैन फील लाइक दे आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी एज वेल. ठीक. यस जी जी बिल्कुल. और उसके बाद दूसरा सवाल मैंने पूछा था कि व्हाट इज फ्रेंड्स ऑफ पैराप्लेजिक? ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है क्या बिल्कुल है? हाँ, ये फ्रेंड्स ऑफ पैराप्लेजिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो जिनसे मेरी मुलाकात 2014 में हुई थी एक एक्सेसिबिलिटी ऑडिट में. उनके साथ फिर मैं वॉलंटियर रहा, फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, और फिर मैं तकरीबन 3 साल से अब उनके साथ जॉब भी कर रहा हूँ. और ये ऐसा है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी ही लीड कर रहे हैं. वो पर्सन विद डिसेबिलिटी जिनको स्पाइनल कार्ड इंजरी हुई थी, जो नॉर्मल लाइफ गुजार रहे थे, हमारी तरह जंपिंग लाइफ थी उनकी, लेकिन उन्हें डिसेबिलिटी हो गई और वो फिर नॉर्मल नहीं रहे. पर्सन विद डिसेबिलिटी कोई पार्ट उसका जो था, तो उसमें ये पैरा हमने वहां से उठाया है कि पैरा टू और प्लेजिया जो हमने उठाया है प्लेजिक से, डिसेबिलिटी से, तो दो से डिसेबिलिटी की तरफ. इसमें फिर मुख्तलिफ टाइप होते हैं, टेट्रा प्लेजिया इसमें होता है फिर, तो ये असल में हमने वहां से ये वर्ड उठाया है. तो हम अपने आप को उनके दोस्त समझते हुए काम करते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ. बहुत खूबसूरत बात, क्योंकि आप बेशक ले आपकी कोई भी डिसेबिलिटी हो, अगर बिल्कुल आप एबल भी हो ना किसी चीज के, अगर इवन इफ यू आर डिफरेंटली एबल हो या यू आर प्रॉपरली एबल, आप अगर जी जी सोसाइटी फिर की तरफ से एक्सक्लूडेड फील करते हो ना, तो यू गो इनटू नहीं हो डिप्रेशन. सकता. बिल आपको बिल्कुल जीने का दिल बिल्कुल नहीं करता. यही मसला है, और यही वजह है कि उनसे मुलाकात हो के, उनसे बातें करके, जो मेरे अपने ख्यालात थे कि हम क्या कर सकते हैं इस दुनिया में और क्यों आए हैं और क्या करने आए हैं,
उनके साथ मिले हैं, उनसे बात की है, और फिर उनके दीवाने हो गए, और फिर चल बसे इस रास्ते पे। तकरीबन 7 साल हो गए, और फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। माशाल्लाह 7 साल हो गए हैं। जी 7 साल हो गए, और इसी फील्ड में बस करते हैं, डिसेबिलिटी सेक्टर अच्छा, में। तो जसवीत, मैंने तुम्हारी पिक्चर देखी थी, इसके अंदर यू वर प्लेइंग क्रिकेट विद देम और तुम खुद भी व्हील चेयर के ऊपर बैठे हुए थे। तो बिल्कुल जी, उस वक्त जब तुमने वो क्रिकेट खेली थी व्हील चेयर के ऊपर बैठ के, उस वक्त तुम्हारी फीलिंग्स क्या थी, वो दौराने खेल भी और खेलने के बाद भी, व्हाट वर योर फीलिंग्स? सबसे मुश्किल चीज है उस व्हीलचेयर पे बैठना, क्योंकि बहुत अगर मुश्किल। आप बहुत मुश्किल है। फिर मैं अपने इन दोस्तों के साथ ऐसे करता हूँ, जब हम कभी मार्केट जाते हैं या किसी ऐसे पब्लिक प्लेस में जहाँ पे रश ज्यादा हो, तो मैं उनके साथ फिर व्हीलचेयर पे बैठ के जाता हूँ, ताकि इनको भी ये फील ना हो कि ये हमारे साथ अपने पैरों से आ रहा है और हम व्हीलचेयर पे बैठे हुए हैं, ताकि उनको भी ये कोई एंजाइटी डिप्रेशन ना हो। और दूसरी ये कि उसी दिन ये ऐसा हुआ था कि हमने ये मैच अरेंज किया था पिशावर में ही। हम प्लेयर सही। वाइज ये अरेंज करते हैं, तो मैंने अपने लिए भी उन्हें कहा है कि मैं भी इसमें खेलूंगा। उसने कहा कि आप खेल नहीं सकते हैं, मुश्किल गेम है। मैंने कहा मैं मुश्किल गेम है, लेकिन 3-4 साल हो गए, अगर मैं व्हीलचेयर नहीं चला सकता, मैं नहीं खेल सकता, तो ये तो मेरी नाकामी होगी। फिर मैंने किट सारा करके, और क्योंकि एक मैं आपको बताता चलूँ, ये रास की बात कि मैंने कभी वैसे भी क्रिकेट नहीं खेली थी। बचपन से मुझे क्रिकेट का कोई मैंने वो शौक नहीं। नहीं खेली। हाँ, तो जब मैं व्हीलचेयर पे आया हूँ और मैं बैटिंग के लिए गया हूँ, तो बहुत मुश्किल, इतना मुश्किल गेम, 2 दिन में फिर बैट पे रहा, और मुझे जो ये राइट राइट साइड पे मुझे फिर यहाँ पे स्ट्रोक टाइप सा हुआ था, और जिसमें ये मसल जो थे ये बैंड हो गए थे, स्ट्रेच हो गए थे। तो बहुत मुश्किल है उस पे खेलना, और फिर जाहिर उस पे सी बात जिंदगी है, बसर करना, जिंदगी ये बसर करना, सोच और नहीं उसके सकते, बहुत अलावा मुश्किल। उस वक्त हमने एक्चुअली ये बात सोची हुई कि अल्लाह का लाचा शुक्र है कि अल्लाह ने हमें लाइक बिल्कुल हाथ पांव दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो रफीक, रिसेंटली मैं तुमसे वाली बात एक और भी पूछनी थी। तुम्हारा जो मैंने रिसेंट इंटरेस्ट देखा है वो काफी सूफीज्म के अंदर काफी इंटरेस्ट है, जी। तो ऐसी कौन सी चीजें जो तुम्हें सूफीज्म की तरफ अट्रैक्ट करती है? यानी ऐसा कौन सा पार्ट है सूफीज्म का जो तुम कहते हो कि अच्छा ठीक है, मेरा दिल सुफियाना बात को सुनने का या फिर उसकी तरफ माइल होने का? जो सूफीज्म के साइड पे मेरी ये जो जर्नी थी, ये यहाँ से स्टार्ट होती है। हमारे ही साथ में जो पीर बाबा है यहाँ पे हमारा, जो सूफी है हमारे साथ, तकरीबन 600 साल हो गए ये यहाँ पे है। और इसकी यहाँ पे जो हजरत सैयद अली शाह तरमीजी, जो सही। पीर बाबा, तो इसकी मज़ारों पे यहाँ पे हम आते जाते थे। फिर इनकी हिस्ट्री मैंने उठाई है, तो हिस्ट्री मैंने पढ़ी, उसके बाद मुख्तलिफ किताबें मैंने पढ़ी। फिर मुझे जो क्लू मिला है वो रूमी में मिला है, फिर मैं रूमी का दीवाना हुआ, और रूमी को मैं पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आ गया हूँ कि बस जहां भी मोहब्बत की जब भी बात कोई होती है तो सूफियाना कलाम की तरफ जाता है या फिर सूफीज्म की तरफ जाता है, जब भी वो इस जी फील्ड की तरफ माइल होता है, उसके दिमाग में जो पहला इंसान आता है, जो पहला शख्स आता है, दैट इज रूमी। बिल्कुल। व्हाई? असल में रूमी में जो बात है, या रूमी की जो तड़प थी, जो इश्क के लिए, या जो हमें कहते हैं वहदत के लिए, वहदत के लिए जो उसकी जो तड़प थी ना, उसकी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलती। तो उसकी जो इश्क थी वो ऐसा ही रहा है कि ये ताहयात जिंदा रहेगा। जब आप मोहब्बत की बात सुनोगे तो रूमी आपके दिमाग में आएगा, और रूमी की बातें आपकी दिमाग में आएगी, क्योंकि उसने 37 साल के उम्र तक, रूमी एक नॉर्मल, जैसे हम कहते हैं कि यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, जिसे लोग बैठते हैं, हजारों तलबेलम होते हैं उसके, हजारों स्टूडेंट्स होते हैं, और वो सिर्फ आता है और क्लास में या डेस्क डाइस पे, और बिल्कुल वहां पे पढ़ाई स्टार्ट कर देता है, और बस कोई पूछने वाले ही नहीं होता, कोई उससे सवाल की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि इतना उसके साथ इलम था। फिर अचानक 37 साल की उम्र में वो वहां से कट के, और फिर सोसाइटी से आइसोलेशन में चला जाता है, और जब दोबारा निकलता है तो एक मुख्तलिफ अंदाज से निकलता है। फिर वो कहते, लोग उसे कहते थे कि यार आपके इतने शागिर्द, इतने लोग, आप इनको छोड़ के कहाँ गए? वो कहता है कि मैं जिसके पास गया हूँ ये अलग वो चीज है, और दुनिया को
पता लग जाएगा, फिर वो कुछ अरसे बाद निकलता है तो सारी दुनिया उसकी दीवानी होती है। ये थी रूमी की। अभी तक जब जब से तुमने इस सूफीज्म की तरफ माइल हुए हो, तब से जी जी लेके अब तक अपने अंदर भी वाजिया तब्दीली देखी है? तब्दीली तो इंसान बस फील होता है मुख्तलिफ चीजों में। आप जब एक माहौल में चले जाते हो और आप उस माहौल की जो कशिश होती है वो आपको ट्रिक करती है। अब इंसान में ये है कि आप में कितनी शफाफियत है उस माहौल में जाने के लिए, ताकि वो आपको कितना ट्रैक कर सकता है। तो मुख्तलिफ मौकों पे फिर आपको उसकी वो क्लू मिलती है कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे अपना वो स्टेप लेना है और किस तरीके से मैंने यहाँ पे ये चीज करनी है। खूबसूरत। और रफीक, तुम ये सोशल वर्क कर रहे हो साथ साथ जो तुम हो फ्रेंड्स ऑफ पैराप्लेजिक के साथ, लेकिन उसके अलावा तुमने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वॉलंटियर भी किया हुआ है, जिसके थ्रू जी हम लोग बिल्कुल मिले थे। एक तो वही बिल्कुल थी, ये गिनता रहता है इसकी फिक्र मत करो। तो एक तो वो है जिसकी जिसके थ्रू हम लोग बिल्कुल मिले थे, ठीक है, एक मिले थे। ऑर्गेनाइजेशन। और उसके अलावा तुमने काफी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की हुई है, बिल्कुल तो तुम्हारा बेसिकली काम ही ये है, लाइक योर जॉब डिस्क्रिप्शन इज टू हेल्प पीपल, जी सही? बिल्कुल अब मैं उसमें सिर्फ एक बात सोचता हूँ कि हर इंसान अपनी जॉब से कभी ना कभी उकता जाता है, वो बोर हो जाता है। तो तुम्हारी जो जॉब है, इट इज टू हेल्प पीपल, लोगों की मदद करना। तो कभी तुम लोगों की मदद करने से उकताए हो? कभी कोई वक्त हो गया यार बस मैं फिलहाल नहीं करना चाहता, थोड़ा मुझे भी ब्रेक चाहिए? हाँ बिल्कुल। ये ऐसा होता है कि मैंने जो शुरुआत की थी ये यूनिवर्सिटी में 2013 से, जो मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था हम दोस्तों ने मिलके, यूथ पार्टिसिपेटरी फोरम चाइल्ड लेबर के लिए, जो यूनिवर्सिटी में होते हैं आपने भी देखे होंगे बहुत सारे, उनके लिए हाँ एजुकेशन का कोई निज़ाम करना, उनके लिए एक तरीक़ाकार बनाना कि उनको हम एक्सेस कर सके और उनकी फैमिली को और उनको एजुकेशन में ला सके। उसके बाद मुख्तलिफ ऐसी स्टेजेस आई कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते रहे। फिर बीएस के बाद जब डिग्री कंप्लीट होती है और आप एक, हम जब यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो हमने अपने आप को कुछ बनाया होता है कि बस मैं निकलूंगा तो मार्केट में बिल्कुल बम्बार होगी और हर मार्केट में डिमांड मेरी ही डिमांड डिमांड होनी है हो। बस। हाँ बस यही, जब आप निकलते हैं तो वहां पे आपको वो मिलता है कि यार ये क्या सिचुएशन है, आप कोई जानता भी नहीं कोई मुंह नहीं हो लगा और रहा कोई यार। पहचानता भी नहीं हो। तो वहां से, हाँ बिल्कुल, तो उसके बाद आप मेरे साथ भी यही हुआ है कि बस हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ फिर लगे रहे। उसके बाद हम जब थोड़ा अरसा मैंने वहां पे गुजारा है तो मुझे फिर ये लगा कि मैं तो पिशावर से, अपने गांव से तकरीबन 230 किलोमीटर दूर पिशावर में पड़ा हूँ, यहाँ पे फजूल के खर्चे वर्चे कर रहा हूँ और सुबह निकलता हूँ शाम को आता हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि यार आप पागल हो। सारे दोस्त मुझे यही अभी तक वो कहते थे कि रफीक अच्छा आप पागल हो, क्यों सुबह निकलते हो शाम को आते हो और कुछ आपको ये नहीं है और कुछ आपका अपना कोई मिशन नहीं है, अपना कोई सोच नहीं है। मैं उसे कहता था उन लोगों को, मेरी जो फोकस है या मेरा जो मिशन है, अगर आप उसको जान गए तो फिर ये मिशन ही नहीं रहा या फिर फोकस ही नहीं रहा। अब आपने मेरे साथ अगर भी दिया इस मिशन में तो तब भी मेरी वीकनेस होगी, क्योंकि मैं यही सोचूंगा कि यार मेरे साथ तो बहुत सारे लोग हैं इस मिशन में, फिर मैं बेफिक्र होके चलता फिरता रहूंगा। तो यहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट हो गई और मैं वहां से शिफ्ट हुआ घर पे। घर पे आया हूँ, 2-3 महीने यहाँ पे मैंने रेस्ट किया है और फिर मुझे अंदाजा हुआ कि मैं जो पहले था 2 महीने पहले, अब मैं वो नहीं रहा। तो फिर मैं वापस गया हूँ पिशावर और फिर दोबारा ये सारी चीजें स्टार्ट की है, जो जितना भी काम था। रफीक, अभी तुमने एक बात कही कि अभी तुम्हारे साथ बाकी लोग भी जुड़ते चले गए थे, अभी तुम्हें लगा कि अच्छा ठीक है बाकी लोग भी वाला काम कर रहे हैं, तो शायद मैं वो इतने अच्छे तरीके से ना कर पाऊं। अगर बाकी लोग भी वही वाला काम करेंगे तो ये तो अच्छी बात है, तुम्हें और अच्छा लगना चाहिए था। नहीं, इसमें ये नहीं होता, असल में ये होता है कि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारे देखने का जो जाविया होता है, वो एंगल होता है, वो मुख्तलिफ होता है। आपने फिर अपने माइंड की तरह लोग जो आपकी सोच से मिलते हो, ये नहीं है, क्योंकि हम ये सोचते, एक लीडरशिप होती है ना, हमेशा मैंने सोचा लीडरशिप के बारे में कि अगर, या मैं ऐसे लीडर के पीछे क्यों जाऊं जो मुझे गाइड करे, क्यों ना मैं एक लीडर बन जाऊं, अपने साथ ऐसा ग्रुप बना के चलूं कि हाँ अपने साथ ऐसा ग्रुप बना के चलूं जो एक राइट एंगल पे हो, जिसपे मैं 2-3-4 साल से काम कर रहा हूं, क्यों मैं इस एंगल से हटूं।
तो मैं अपने उस एंगल पे ही और उस रूट पे जो मैंने 3 4 साल में बनाया था उसको चलने के लिए फिर मुझे अपने साथी चाहिए थे और उनको बनाने के लिए मुझे फिर वक्त चाहिए था, तो इसके लिए मैंने थोड़ा रेस्ट किया है 2 3 महीने, फिर वापस में गया था। सही सही सही। तो रफीक, इस पूरी जर्नी के अंदर कोई ऐसी चीज होगी लाइक व्हेन यू फेल्ट कि अच्छा ठीक है, लाइक आई एम फीलिंग वेरी लो, यानी बहुत हार मान चुके थे तुम, तो ऐसी कौन सी बिल्कुल चीज थी विच केप्ट यू ब्राइट इन द डार्केस्ट ऑफ टाइम्स? इसमें यह होता है कि जब इंसान ये महसूस करने लगता है कि यार मैं जो हूं मुझसे कुछ नहीं होता, तो इसमें फिर आपने या जो भी इंसान हो, मैं जो खुद अपने तजुर्बाती अपना जो मैंने एक्सपीरियंस रहा है और जो मैं करता रहता हूं वो ये है कि मैं अगर अपने आप पे बिलीव ना कर सकूं, मैं अगर अपने आप पे यकीन ना रखता हूं, तो दरअसल में ये मैं खुदा पे यकीन नहीं रखता। तो इसीलिए मैं अपने आप पे यकीन जरूर रखूंगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने कोई भी चीज ऐसी तहलीक नहीं की जो कोई काम की ना हो, जिससे वो कोई काम ना कर सके या जिससे वो कोई कायनात में जो निजाम है इसके फायदा लिए ना हासिल वो कर सके। फायदा फायदा ना हासिल कर सके। तो इसीलिए मैं अपने आप को हमेशा ये इस स्टेज पे लाता रहा कि बस जो भी है मुझे अपने आप पे बिलीव है, अगर ये आज नहीं हुआ तो कल होगा, लेकिन जरूर होगा। यानी जो सबसे ज्यादा चीज विच केप्ट यू ब्राइट वॉज तुम्हारा अपने आप के ऊपर बिलीव। बिलीव बिल्कुल। बहुत और खूबसूरत अपने भाई, क्योंकि आप अब आजकल के जमाने में ये होता है कि हम लोग बहुत से दूसरे लोगों से इंस्पायर हो जाते हैं और हम बिल्कुल सोचते हैं कि ठीक है वी आर नथिंग, हम कुछ भी नहीं कर सकते, और हम बेसिकली उनका जो ऑरा होता है दैट इज सो ब्राइट कि हम ऐसा होता है कि हम मान पड़ते हैं उसमें। तो जो तुमने वाली बात कही है ना कि यू शुड हैव बिलीव इन योर सेल्फ, इन योर ये एक बहुत सेल्फ खूबसूरत बात है। बिल्कुल। अगर अपने आप पे बिलीव नहीं है तो फिर अगर हम आप एक कीमती पत्थर लेके जाते हो मार्केट में, सही है, और उसकी वैल्यू आप मार्केट में उसे आप लेके जाते हो तो उसकी एक अपनी वैल्यू होगी ना बिल्कुल उस कीमती पत्थर की, तो उसे लोग अट्रैक्ट होंगे। अब आप वो बहुत अच्छा पत्थर हो उसके साथ रख दो, उसके साथ रगड़ लो, उसके बिल्कुल सामने ही रख दो, उसके पास ही शोकेस में रख दो, अगर उसमें अपनी वो खासियत नहीं है, अपनी वो अट्रैक्शन नहीं है, तो वो नहीं बिकेगा, कोई अट्रैक्ट नहीं नहीं होगा। बिकेगा। तो अपने आप में वो अट्रैक्शन, वो शाइनिंग जो लानी है वो अंदर से ही आती है, और वो उसके लिए कोशिश करनी होती है मुख्तलिफ। ये लाइक दैट्स अ वेरी खूबसूरत बात, और तुम्हारे साथ लगता है मुझे थोड़े ना सूफीज्म के लेक्चर्स लेने पड़ेंगे और मेरी बिल्कुल भी इस्लाह कर देना थोड़ी बहुत, मेरी रूहानी इस्लाह। तो थैंक यू इंशाल्लाह जरूर, रफीक, लेकिन थैंक यू आप सो मच वेलकम सर, वेलकम। बीइंग ऑन द शो। पहले तुम क्या कह रहे थे, तुम मुझे कुछ कहने लगे, तुम मुझे शायद दावत देने लगे थे। दावत तो मैंने कई बार आप लोगों को दिया है यहाँ पे, वो हमारी मैडम भी देख रही है, आली भी, आली को भी मैंने कहा था, बहुत सारों को हाँ कहा है कि नीचे आ काफी जाओ अपने तुम्हारे साथ। जानने वाले लोग हैं, कंजा आपी थी यहाँ पे, यहाँ पे दिया हाँ, है। कंजा आपी को हमने बहुत सारे, वो बहुत बार हमने कहा है कि पिशावर आओ पिशावर आओ, लेकिन वो अभी तक नहीं आई, इसको लेके आना पड़ेगा। हाँ अगर ये ना आई तो बस फैसलाबाद आ जाना, फैसलाबाद में मिल लेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर मुलाकात होगी, और वो रात होगी जिसपे फिर बात होगी। परफेक्ट, बस तुम आओ इंशाल्लाह, फिर इंशाल्लाह उसके बाद मुलाकात होती है। और उसके अलावा रफीक दुआ में याद रखना, और बहुत इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया इस थैंक यू शो सो पे आने मच, का, थैंक यू सो और मच, जब मैं और दोबारा बुलाऊं तो दोबारा आ जाना। इंशाल्लाह जरूर आऊंगा और जरूर देखूंगा और देखता भी रहता हूँ, क्योंकि ऐसे माहौल में आपकी तरह लोग और जो लोग आप इनवाइट करते हो और उनको सुनना, उनको देखना, उनके साथ टाइम बिताना, ये बड़ी वो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हमारे माहौल जो है ये ऐसा बन जाए कि हमें सुकून हो। अगर आपको सुकून नहीं हो, आप जिससे बात नहीं करते, जिसको सुनना नहीं चाहते, तो फिर तो वो नहीं होता। थैंक यू सो मच वकास कि आपने इनवाइट किया और अपनी थोड़ी थैंक बहुत यू बातें आपसे इतने शेयर खूबसूरत की। अल्फाज बोलने के लिए, क्योंकि मुझे जब सब कोई इस तरह की बात करते हैं ना इस तरह की, कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आई एम एक्चुअली मेकिंग अ चेंज, शायद मैं कोई अच्छी चीज कर रहा हूँ थोड़ी बहुत, तो मुझे उस वजह से बहुत थोड़ा बहुत अच्छा लगता बहुत जबरदस्त, और मैंने है। थैंक यू पहले ही आपको रफीक, कहा था उस दिन, थैंक यू सो मच, आपका भी।
वेलकम, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।